ये 13 SPs को आपने नोटिस भेजे थे जिनके 1000 से ज्यादा मामले थे, उनके जवाब आ गए? जो केसेस पेंडिंग हैं जिलों में उनको सबसे हमने डिटेल मांगी थी, तो 13 ऐसे जिले थे जहां पर 1000 से ज़्यादा पेंडिंग थे, उनकी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल मांगी थी। तो अभी हमारे पास तो जवाब नहीं आए हैं, जवाब आएगा तो फिर फर्दर कार्रवाई करेंगे। कोई रिमाइंडर भेजा उनको? रिमाइंडर भेज दिया आपने। तो अगर ये अभी भी जवाब नहीं देते हैं उच्च अधिकारी जो हैं, क्योंकि 1000 नहीं तो फर्दर कार्रवाई करेंगे, बहुत कार्रवाई है, बहुत कुछ कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसे थोड़ा कि जिलों में लोग परेशान होते रहे और ये लोग अटेंड ना करें। सर कितने लोगों के कुछ जवाब आए हैं? नहीं मेरे पास तो अभी किसी का नहीं आया। एक ये CID को लेकर फिर लगातार चर्चाएं रहती हैं, बिना CID के होम विभाग कैसा आप मानते हैं? बिना CID के तो होम डिपार्टमेंट ऐसे ही है जैसे बिना आंख कान नाक के कोई आदमी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि CID विभाग, जैसा कि लगातार चर्चाएं चलती हैं कि वो उसको अलग किया जा सकता है, तो उसके बाद गृह विभाग का कोई मतलब नहीं रह जाता आपके पास? देखिए अब मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता कुछ। सर नहीं, ये जैसे आप लगातार अम्बाला में भी और मीडिया में भी आता रहता है कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा रहते हैं और किसी भी विभाग के अधिकारियों से कुछ भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग ले सकते हैं, तो पिछले 5 सालों के दौरान भी ये चर्चा रही कि कई ऐसे फैसले हुए जिसके बारे में मंत्रियों को मालूम ही नहीं था। नहीं, मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें सर्वे सर्वा है, सुप्रीम है, वो बिना किसी कानून में कोई तब्दीली किए बगैर भी किसी भी विभाग के अधिकारी से कोई भी जानकारी ले सकता है और ऐसे लिए भी जाते हैं, आदेश भी दे सकता है, ऐसे दिए भी जाते हैं, ऐसी पहले भी सिस्टम रहा है, देते हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसी तो कोई नई बात नहीं है। फिर भी सब जैसा कल आपने कहा कि फिर ये भागम भाग क्यों है अधिकारियों में CID विभाग को लेने? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं ही बता देता, मुझे मालूम नहीं है। तो CID विभाग क्या आज की डेट में आपको रिपोर्ट कर रहा है? आज की तारीख तक, अब तक किताबों के अनुसार, कानून के अनुसार CID डिपार्टमेंट मेरे पास है। CID को सुधारने के लिए आपने जो कमेटी बनाई थी वो उसमें बिल्कुल कमेटी नोटिफाई हो गई, महामहिम महोदय ने उसको नोटिफाई कर दिया और वो कमेटी अपना काम शुरू करेगी जल्द। ये जो पिछले उसमें इस डिपार्टमेंट को, CID डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए वो तरीके सुझाएगी कि क्या क्या तरीके सुझाए इसमें किए जाएं, क्या टेक्नोलॉजी अडोप्ट की जाए, किस प्रकार से और ज़्यादा इसको इफेक्टिव बनाया जा सके। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं जो अदर उसमें गए हुए हैं, तो उनको बुलाने के लिए कोई आपने कहा? नहीं, मैंने जवानी भी कहा है और लिख कर भी कहा है, क्योंकि पुलिस विभाग के पास अधिकारियों की और कर्मचारियों की बहुत कमी है कि अगर पुलिस विभाग से कुछ लोग नॉन पुलिसिंग काम में गए हुए हैं तो उनको वापस बुलाया जाना चाहिए। ये किसको लिखा है जी? कोई आई है सर इसमें रिपोर्ट आई है कि नहीं? है, अभी आई नहीं है, लेकिन हमने लिखा है। ये DGP को या एडिशनल होम सेक्रेटरी? वो थ्रू ACS जाते हैं सब लेटर्स। कितने अधिकारी है सर ऐसे अभी? नहीं अभी मालूम नहीं है। जी साहब, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है हाल ही में लगातार 2-3 दफे कि CID होम विभाग से CID सेपरेट हो जाए, इसके लिए जो है पक्का बंदोबस्त किया जा रहा है। हाँ तो कर लें, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री कर सकते हैं, किसी भी विभाग का विभाजन कर सकते हैं, किसी भी विभाग को जब चाहे मंत्री से वापस ले सकते हैं,
वो बिना किसी विभाग को लिए भी किसी भी विभाग की कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. सीएम इज सुप्रीम इन प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी. आपका जिस तरह से मानना है कि अगर ये सेपरेशन होता है तो बिना नाक कान और आंख के व्यक्ति जैसा हाल हो जाएगा, तो ऐसे में आप फिर एक पार्ट को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना वाजिब? देखिए, एक्सेप्ट करना या ना करना ये मेरे हाथ में नहीं है. मैंने सारे मामले की जानकारी हाईकमांड को दे दी हुई है. जैसा हाईकमांड आदेश करेगी वैसा कर रहा हूँ. सर, इसके अलावा अगर बात करें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही थी सर, एक मीटिंग जो है वो हो चुकी है, आपने एजी ऑफिस और जो है फाइनेंस कमिश्नर, आज जो कोरोना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की दूसरी मीटिंग जो है वो 23 जनवरी को मेरे कार्यालय में होगी. इसका बकायदा हमने नोटिस जारी कर दिया है और जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी कि इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी बनेगी वो, और इसके लीगल इम्पैक्ट एक एक मांग का क्या होगा, वो दोनों विभागों ने तैयार कर लिया है. तो अब हम विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे. ये जो पेंशन बढ़ी है साहब, ये 250 रुपया, ये मानकर चलें कि जो, क्योंकि आपका 5100 रुपए का आपके जो पार्टनर हैं उनका, किसको फोन आ रहा है, 5100 रुपए का आपके पार्टनर्स ने वायदा किया, तो मानकर चलें कि इस बिंदु पर जो है दोबारा चर्चा नहीं रहेगी या दोबारा? नहीं नहीं, अभी तो हमारे इसमें अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है. वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से, हो सकता है नए साल के तोहफे के तौर पे या एज ए गेस्चर के तौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी हम इस मुद्दे पर हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है. तो ये डिस्कशन का पार्ट अभी रहेगा अभी. बढ़ाई भी जा सकती है? अभी रहेगा पूरी तरह से. अभी हम दोनों पार्टियों की जो घोषणा थी उसका अध्ययन करेंगे और फिर जो हम कर सकते होंगे वो करेंगे आपसी सहमति से. एक जो यूएलबी डिपार्टमेंट के अंदर आप ठेकेदारों को आपने एक कहा था कि जो जांच होगी और अब इनकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, क्या है उनका स्थिति? देखिए, जो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है या म्यूनिसिपल कमेटीज काउंसिल या कॉरपोरेशन हैं, उसमें हमने कुछ कदम उठाए हैं. एक तो हमने कहा है कि जितने डेवलपमेंट वर्क हों कम से कम आधे के 2 एजेंसियों से उनके सैंपल टेस्टिंग होनी चाहिए. दूसरा, हमने जो CLU दिए जाते थे उसका ऑनलाइन पोर्टल बनाने के आदेश दिए हैं, जो कि इसी सप्ताह बनकर तैयार हो जाएगा. सारी कमेटियों में जो हाजिरी है वो बायोमेट्रिक लगाने का कह दिया, और जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो लगाने के लिए कह दिया, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती थी कि ठेकेदार टेंडर ज़्यादा कर्मचारियों का ले लेते थे और लाते कम थे, तो उससे ये चेक हो जाएगा. सबकी तनख्वाह RTGS से बैंक में करने के लिए हमने कह दिया कि बैंक में की जाए. सभी नगर पालिकाओं में कुछ कर्मचारी फर्लो पर चले जाते थे, इसलिए हमने मूवमेंट रजिस्टर सारी नगर पालिकाओं में लगा दिया कि नगर पालिकाओं में मूवमेंट रजिस्टर होना चाहिए. और भी हमने बहुत सारे सुधारात्मक कदम उठाए हैं, हमने आदेश जारी कर दिए हैं. अब मैं जब फील्ड में जाऊंगा, 2-4 नगर पालिकाओं में जाके देखूंगा कि उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया. एक करनाल में आप आदेश करके आए थे जब छापा आपने मारा था और वहाँ कुछ लोगों को सस्पेंड करके आए थे, लेकिन उनमें आप 6 लोगों को सस्पेंड करके आए, उसमें से केवल 2 सस्पेंड हुए और बाकी के बाकी वहीं अभी काम कर रहे हैं और उनको कोई आदेश नहीं पहुँचे और वो अभी वैसे के वैसे. देखिए, हमने तो डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया और कुछ कर्मचारी वहाँ पर दूसरे विभागों से आए हुए थे, उनका फिर जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक उनके विभागों को भेजना होता है. तो अब वो कुछ विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं, तो ये तो उन विभागों पर निर्भर करता है कि वो इसके ऊपर क्या करते हैं. लेकिन आज भी वो धड़ल्ले से कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री जी की ने कह रखा. नहीं, हमने तो कर दिया, हमने लिख के भेज दिया और वो लिख के कार्रवाई जरूर होगी उसके ऊपर. कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, शक्ति प्रदर्शन तो बराबर वालों में होता है. हम तो बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे सुप्रीम हैं, हम CM के मुकाबला कैसे कर लेंगे. तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, मुख्यमंत्री जी जब चाहे ले सकते हैं, ये तो उनके डिसीजन पर है, हमने तो कभी उसका मना नहीं किया.
सर, आपने कल के बयान में ये कहा था कि सीआईडी को लेकर जो भागम भाग है, इसका कुछ मतलब कुछ और ही है, क्या इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे? नहीं, अब मैंने जो कहना था कह दिया, उसके ऊपर रोशनी तो आप डालो। बस भाई तुमने चैनल चलाना है यार, औरों को भी तो करोगे, सैनिकों के लिए क्या हो, सरकार ने आदेश किए हैं सभी डीसी को, सभी जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, थोड़ा दिया चीफ सेक्रेटरी की साइड पे, वो उसकी बात कर रहा हूँ।